Assalamualaikum, welcome back to my channel Lifestyle with Rooch में। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है कैटरपिलर सीख कबाब ब्रेड की रेसिपी। कभी कभी अफ्तार में पकौड़ों, रोल और समोसों के अलावा ब्रेड भी बनाए, बहुत ही मजे की लगती है, स्पेशल स्टफ ब्रेड हो या बंस हो। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए मैदा 1 किलो, ऑल पर्पस फ्लावर लिया, फिर मैंने इसमें सारी चीजें एक साथ मिला दी। बटर 3 टेबल स्पून, ये मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है। ड्राइड पार्सले 1 टी स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/4 टी स्पून, मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टी स्पून, शुगर 1 टेबल स्पून, एग 1 क्वांटिटी, ये मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है। ईस्ट 1.5 टेबल स्पून, मिल्क 1 कप। अच्छा, मैंने मिल्क को हल्का सा वार्म कर लिया था और इससे मैंने डो बनाई। जब मेरी डो रेडी हो गई तो मैंने इस पर मजीद बटर लगाया और इसे प्रूफ होने के लिए रख दिया। 1.5 घंटे के बाद जब मेरी डो प्रूफ हो गई तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट से मैंने 4 पेड़े बनाए हैं और इसे मैंने रोटी की तरह बेल लिया और एक साइड पे मैंने कट्स लगा दिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर मैंने इसके ऊपर पिज्जा सॉस को स्प्रेड किया, चॉप शिमला मिर्च डाली और प्याज को भी मैंने चॉप करके डाला। फिर मैंने इसके ऊपर सीख कबाब रखे, ये मेरे होममेड सीख कबाब थे। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बहुत जल्द दूंगी, आप चाहें तो आप रेडीमेड सीख कबाब भी ले सकते हैं। फिर ऊपर से मैंने इसके ऊपर चीज़ के स्लाइसेस रखे और इसको रोल कर दिया। फिर मैंने बेकिंग ट्रे को फॉइल पेपर से कवर किया और इस पर ब्रेड उठाकर रखी और हल्का सा कर्व करके कैटरपिलर का शेप दे दिया। सारी ब्रेड मैंने इसी तरह से रेडी की है, इसे मजीद 5 मिनट का रेस्ट दे दिया। फिर मैंने इसे एग वॉश किया और ऊपर से मैंने इस पे कलौंजी और थाइम को मैंने स्प्रिंकल कर दिया और फिर मैंने इसे प्री हीटेड ओवन में बेक होने के लिए रख दिया। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट में बेक हो गया था। माशाल्लाह से मेरी ब्रेड तैयार है। फिर ब्रेड निकाल कर मैंने इस पर ऑयल ब्रश किया और फिर 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे फॉइल पेपर से कवर करके रख दिया। फिर इसे सर्व करें। आप इसे किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ग्रीन चटनी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो मैंने इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया, बहुत ही मज़े की बनी थी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।